नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल अंधविषक न्यूज में। अंधविषक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। इस समय एक खबर वायरल हो रही है साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जान लीजिए, अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक के समान वेतन के हकदार हैं। हाई कोर्ट प्रयागराज ने यह फैसला दिया है और एक बड़ी सफलता हासिल की है उन सभी संविदा कर्मियों ने जो कि समान कार्य समान वेतन के तहत समान कार्य करते हैं, परंतु उनको समान वेतन नहीं मिल पाता है। एक ही छत के नीचे परमानेंट टीचर्स या परमानेंट कर्मचारी की तरह वो परमानेंट की तरह कांधे से कांधा मिलाकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा भी काम करते हैं, लेकिन उनको वेतन समान रूप से नहीं मिल पाता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जो कि समस्त संविदा कर्मियों के लिए राहत भरा साबित हुआ है। साथियों, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हाई कोर्ट प्रयागराज ने कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक कर्मचारी के समान वेतन पाने का हकदार है, बशर्ते उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति नियमित कर्मचारी के समान हो। ये अहम फैसला न्यायमूर्ति संजीव शुक्ल की अदालत ने दिया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी प्रयागराज में कार्यरत माली भारत गिरी की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। याची ने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा पूर्णकालिक माली के समान वेतन की मांग को खारिज करने वाले आदेश पर यह फैसला सुनाया है। यह सिद्धांत उन दैनिक अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो नियमित कर्मचारी की तरह ही काम करते हैं, यानी कि अंशकालिक, अनुदेशक और ये शिक्षा मित्र, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि अनुदेशक आते हैं क्योंकि उनका अनुबंध होता है प्रत्येक वर्ष, अंशकालिक भी उनके उनके पद के आगे लगा हुआ है तो उन पर ये फैसला लागू होता है, उन्हें भी पूर्णकालिक की तरह वेतन देना होगा अब सरकार को। आपको बताना चाहेंगे, यदि कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के समान काम या जिम्मेदारी निभाता है तो उसमें विभेद नहीं किया जाना चाहिए और वह समान वेतन का हकदार है। साथियों, जैसे ही हाई कोर्ट का ये फैसला आया, सबसे ज्यादा अंशकालिक अनुदेशकों को इसकी खुशी हुई है क्योंकि उनके पद के आगे अंशकालिक लगा है। अब सरकार या शासन इस बात को नकार नहीं सकता कि वो पूर्णकालिक कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं, उनका रिकॉर्ड पूरा पूर्ण है पूर्णकालिक कर्मचारी की तरह। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। माननीय हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करना होगा यूपी सरकार को। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस न्यूज़ पर कि अंशकालिक कर्मचारियों को भी पूर्णकालिक कर्मचारियों की तरह वेतन मिलेगा। आपको हाई कोर्ट का ये फैसला किस हद तक अच्छा लगा है और जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण किया जाए, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। आप सभी को पूर्णकालिक कर्मचारी की तरह वेतन मिले क्योंकि आप एक ही छत के नीचे एक ही साथ समान रूप से समान कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं अंशकालिक अनुदेशक भी पूर्णकालिक की तरह अधिक कार्य करते हैं, ये सत्य है, साबित हो चुका है। तो साथियों, ये सबसे ज्यादा बड़ी खुशखबरी अंशकालिक अनुदेशकों के लिए क्योंकि वो इस समय सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। 27 तारीख से लगातार उनका संघर्ष जारी है। उन्हें अभी डिप्टी सीएम ने कहा है कि 10 तारीख तक आपकी समस्या का समाधान होगा। अब देखते हैं 10 जनवरी तक क्या उनका समाधान हो पाता है। अनुदेशक हाईकोर्ट डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट से निर्देश प्राप्त कर चुके हैं कि उन्हें उनका भुगतान 17,000 का किया जाए और उनके लिए कुछ खास सोचा जाए। आप देख रहे थे ये न्यूज अंधविषक न्यूज पर। खास खबर में बस इतना ही, मिलते किसी और खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।